हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील रोहिला, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एसएल मास्टर क्लास पर स्वागत करता हूं। कोई भी भाई इस चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं चैनल पर आपको मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में मैंने आपके लिए हरियाणा सीईटी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपका हरियाणा सीईटी के एग्जाम से पहले पहले पूरा मैथ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वो करवाऊंगा। उससे पहले मैं भी हरियाणा पुलिस का कमांडो का जो बैच था, हरियाणा पुलिस का बैच था जो, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, ठीक है? तो अगर किसी को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैथ्स के डाउट भेज सकता है। अगर मैथ्स सीखने में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मेरी वीडियो एक बार जरूर देखें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मैथ्स सीख जाएंगे इसमें, ठीक है, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अपना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, दूरी चाल और समय। इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर कैसे करते हैं इस चैप्टर को। कईयों को तो आता है तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस कब बराबर होता है या फिर समय कब बराबर हो तो कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जब चाल बराबर हो जाए तो कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आज मैं इसको टाइप का बिल्कुल बेसिक करवाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक क्लास होगी आज ये, ठीक है। ज़्यादा बातें न करते हुए सीखते हैं, आइए करते हैं अपना चाल, समय व दूरी। तो सबसे पहले एक फार्मूला आता है आपके पास, बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, स्पीड का फार्मूला होता है ना, भाई स्पीड का फार्मूला आता है भाई, चाल आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो स्पीड क्या होती है आपकी भाई, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका, टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसके, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होगा भाई, दूरी बटे में समय होता है, दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे टाइम की बात करूँ तो टाइम क्या हो जाएगा आपका भाई, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगी, यही होता है ना। तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी अपॉन में चाल हो जाता है आपका, दूरी बटे में चाल। अगर मैं आपसे समय आपके आपसे दूरी की बात करूं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा, देखो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई, चाल गुना में समय हो जाएगा आपका। दूरी गुना में क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना में समय हो जाएगा, ठीक है। आज जो बात होती है एक स्पीड की बात होती है और एक बात होती है आपकी एवरेज स्पीड की भाई, एवरेज स्पीड को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं भाई इसको, औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। जो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, जो ये बेसिक चैप्टर आपका, तो जो आज की क्लास है ये सारी हम बात करेंगे एवरेज स्पीड में बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है आपकी भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसका मतलब कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ये मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में इंट्रोडक्शन में मैं आपको एवरेज चैप्टर जो करवाया था मैंने उसमें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। मगर आज डिफरेंस देखेंगे भाई एवरेज स्पीड में और स्पीड में क्या डिफरेंस है भाई। बच्चे समझ तो जाते हैं भाई एवरेज स्पीड ये होता है और स्पीड ये होता है, मगर इनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। तो आज बात करेंगे बेसिक डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपनी एवरेज स्पीड है, यहाँ पे एवरेज स्पीड है और ये आपकी स्पीड है, ये क्या आपकी एवरेज स्पीड, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है भाई आपका, कोई व्यक्ति आप मान लेते ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका ए, दो पॉइंट आपके, या ए लगा लो या दो पॉइंट लगा लो पी और क्यू आपके, और ये व्यक्ति है ए है और इसको जाना है बी तक, बी के पास पहुँचना है, बी के पास पहुँचना है, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, कितनी दूरी है भाई 5 किलोमीटर से, ठीक है। तो अगर ए बी से के पास जाता है तो उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो जाता है तो क्या करता है कि वह 5 मिनट चलता है और 1 मिनट का ब्रेक लेता है भाई, 5 मिनट चला फिर 1 मिनट का ब्रेक लिया, अगले फिर वो 5 मिनट चलता है, फिर वो क्या करता है भाई 1 मिनट का फिर ब्रेक लेता है। अगर वो 5 मिनट फिर चलता है और फिर वो क्या करता है 1 मिनट का ब्रेक लेता है, ठीक है। सेम केस यहीं पे है, सेम केस भी स्पीड में आपका भाई, पी और क्यू दो पॉइंट है, एक को है ना बी से मिलने जाना है, इसका फ्रेंड है ये, और ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो सेम क्या करता है भाई यहाँ पे भी, ये 5 मिनट चलता है और 1 मिनट का ब्रेक लेता है ये आपका, और ये फिर से 5 मिनट चलेगा और क्या करेगा भाई 1 मिनट का फिर से ब्रेक लेगा। दोनों केस बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल एक छोटी सी बात है ये, ध्यान सिर्फ पढ़ाई में आपका, यहाँ पे ध्यान हो आपका सिर्फ, ठीक है। देखो जो एवरेज स्पीड होगी आपकी, जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी वो क्या होगी भाई, जो रुकने का समय होगा और चलने का समय होगा वो सब जुड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर है, तो टोटल टाइम कितना लिया, 5
15, 16, 17 और 18, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 5/18 आ जाएगी, ठीक है। मगर जो स्पीड की बात करेंगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर है, मगर टाइम कितना लिया उसने, 1, 2, 3, जो चलने का समय वास्तविक में वो क्या हो जाएगा, 5/3। ये आपका भाई टोटल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, 5/3 हो जाएगी, मगर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 5/18। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, एवरेज स्पीड में हम दोनों टाइम करेंगे, दोनों टाइम इंक्लूड करेंगे, कौन सा भाई, चलने का भी और रुकने का भी, जो चलने का भी टाइम होता है और रुकने का भी टाइम होता है वो हम एवरेज स्पीड में कैलकुलेट करेंगे, मगर एक स्पीड में सिर्फ और सिर्फ चलने का टाइम अपना इंक्लूड करते हैं अपना, ठीक है, रुकने का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो आपको समझ में आया एवरेज स्पीड और स्पीड के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर में, ठीक है, आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे बिल्कुल। अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, थोड़ी सी बातें समझ में आ रही है मेरी, तो कमेंट में जरूर बताना भाई कि आपको क्लास कैसी लगी, और उसको शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो दो के बारे में बात करेंगे बिल्कुल, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, जब आपका डिस्टेंस बराबर होगा भाई, जब आपका क्या होगा, डिस्टेंस बराबर मतलब आपकी दूरी बराबर होगी आपकी, ठीक है, दूरी बराबर होगी तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, आपकी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट आपके ए और बी है भाई, यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, इनकी दूरी मान लेते हैं डी है, इसकी दूरी है भाई डी है, ठीक है। अब एक्स है, जो एक्स है और एक वाई है, अब एक्स को ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो अपने पास टाइम क्या हो जाएगा इसका, टाइम कितना लगेगा भाई, टोटल डिस्टेंस, ये अपनी स्पीड है भाई, स्पीड है आपकी एक्स किलोमीटर पर आवर, और ये वाई आपका वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका, टाइम क्या हो जाएगा, टी वन क्या हो जाएगा भाई, ए यहाँ से मतलब ए पॉइंट से बी तक जाना किसी को एक्स किलोमीटर की पर आवर की, उसकी क्या है, स्पीड है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस क्या है, डी है, और स्पीड क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, अपना एक्स हो जाएगा आपका, और टी टू क्या हो जाएगा आपका भाई, टाइम दूसरे का क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस तो डी रहेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना भी एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, देखो एवरेज स्पीड में क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो एक बार यहाँ से डी से यहाँ पे जाएगा और वाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी प्लस डी अपॉन में क्या हो जाएगा भाई आपका, डी बाई एक्स और प्लस का डी बाई वाई हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टू डी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अगर डी कॉमन ले यहाँ से तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, वन अपॉन एक्स और प्लस वन अपॉन वाई बच जाएगा आपका, ठीक है। तो डी से क्या हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, टू हो जाएगा, नीचे आपका एलसीएम होगा क्या, एक्स वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, यही होता है ना, ये क्या होता है आपका, टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, जब आपका डिस्टेंस बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक जाना हो, यहाँ से यहाँ तक जाना हो आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक पर्सन भी हो सकता है जो यहाँ से जाता है और वापस भी आ सकता है, तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगर मैं दो पर्सन लेता हूँ तो एक एक्स मान लेता हूँ, एक वाई मान लेता हूँ, जाने की चाल एक्स भी हो सकती है और वाई की क्या होती है, आने की चाल भी हो सकती है। तो आपका टोटल जो एवरेज स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी आपकी भाई, टू एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे भी कोई व्यक्ति था आपका, जो कई व्यक्ति था आपका, वो एक 75 किलोमीटर से जाता है और 50 से वापस आ जाता है, 50 किलोमीटर से वापस आता है और 75 किलोमीटर की स्पीड से वो जाता है, ठीक है। तो उसकी क्या पूछेगा भाई, एवरेज स्पीड पूछेगा, क्या पूछेगा भाई उसकी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 2 × 75, 75 × 50 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, 7, 5, 12, 125 हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल, 25 × 75, 25 × 5 और ये कितना हो जाएगा आपका, 10, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी आपकी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया आपका, एक दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा मेथड करवाता हूँ आपको, सारे जो क्वेश्चन करेंगे हम उसी मेथड से करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक बता के भी चलूंगा मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे और उसके साथ में भी चलेंगे। देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने अभी भी, तो एक मतलब एक व्यक्ति था, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, एक मतलब डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, है ना, वो यहाँ से जाता है और वापस आता है, वापस किस स्पीड से आता है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, ठीक है, 75 किलोमीटर की साइज से जाता है और 50 से वापस आ जाता है। तो उसको टोटल मतलब उसकी एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो तो हम एक मेथड लेंगे अपना, जो ट्रायंगल मेथड होता है, हम टाइम एंड वर्क में भी यूज करते हैं। तो एक मान लेते हैं यहाँ से ए से गया और फिर बी से, है ना, तो ए पे क्या उसकी स्पीड है भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और
बी पे कितना भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई आपका 150 हो सकता है, हो जाएगा ना। तो इसकी ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये 3 आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं, ये क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं, टोटल डिस्टेंस नहीं होता, ये एक बार सिर्फ एक बार जाने का समय मानते हैं, एक बार समय। अगर हम यहाँ से वहाँ तक गए तो 150, अगर वापस भी आए हैं तो कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 गुना में कितना कर देंगे भाई, 150, 2 गुना में कितना हो जाएगा भाई, 150, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो आपकी एवरेज स्पीड यहाँ से भी कितनी आ गई भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है, ठीक है। अब ये बात कहाँ से, ये मैंने बात बताई आपको जब डिस्टेंस बराबर हो और जब सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हो, अगर ये 3 में भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी कर सकते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं एक बारी। अब ये तो 2 के लिए था, अब 3 के लिए बात करते हैं। जब डिस्टेंस बराबर हो, मान लेते हैं ये आपकी, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, ये आपका, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ना, ये आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे इसकी स्पीड है, कोई भी व्यक्ति जा रहा है वो एक्स किलोमीटर है, और ये क्या है भाई, वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये क्या आपकी जेड किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये भी मान सकते हैं इस पर, तो ये हमारी एक्स वाई जेड, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, अगर आपको कहिए प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी किताब बता दूंगा मैं, थोड़ा सा अभी देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पर अगर स्पीड आपकी एक्स वाई जेड है तो क्या बन जाएगा, 3xyz अपॉन में क्या बनेगा भाई, xy प्लस yz और प्लस का zx, ये क्या बनेगी आपकी, 3 के लिए एवरेज स्पीड बनेगी, 3 के लिए क्या बनेगी आपकी, डायरेक्ट HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, पीछे आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो 3xyz, आपको इस फॉर्मूले को याद, ध्यान नहीं रखना, कई बार मिस भी हो जाता है, अगर ध्यान रहे तो ठीक है, वरना अपना जो मेथड रहेगा वो अपना ट्रायंगुलर मेथड ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये xyz, तो यहाँ पे इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर 3 स्पीड है, एग्जांपल देके बताऊंगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे एक्स तो आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, वाई जेड बच जाएगा, यहाँ पे अगर वाई को छुपा लें तो क्या क्या दिख रहा है आपको, एक्स जेड दिख रहा है, और यहाँ पे अगर जेड को छुपा लें तो क्या क्या दिख रहा है आपको, एक्स वाई दिख रहा है ना। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस मानते हैं, मगर डिस्टेंस अब क्या है, 3 गुना है ना, मतलब सिंगल डिस्टेंस है ये, तो एक्स वाई जेड है, तो आगे क्या हो जाएगा उसका, आगे भी 3xyz हो जाएगा, तो 3 गुना में करेंगे क्या, xyz, जैसे मैंने 2 में किया था, 2 में डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या, तो 3 में कर देंगे, 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, 3xyz, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, xy प्लस yz और प्लस zx, ठीक है। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, 5, 10 और 15 मान के कर लेते हैं एक बार कोई क्वेश्चन। आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, जहां तक जा रहा है इसमें, तो 3x मानते हैं, कोई 3 व्यक्ति थे भाई आपके, 5, 10 और 15, ये अपनी अपनी स्पीड है आपकी, एक व्यक्ति जा रहा है 5, 10 और 15 से, मतलब ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से आगे जा रहा है वो, 5, 10, 15 से जा रहा है, तो उसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये 6 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड निकलेगी इसकी, जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होगी आपकी भाई, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 3 × 30 हो जाएगा भाई, 3 बार गया है ना, 3 × 30 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 3 को जोड़ देंगे, 6 और 3 9 और 2 11, तो कितना आ जाएगा भाई, 90/11 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, और भी इसमें अगर 4 भी आ जाए भाई, 3 भी आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है कई बार आपको भाई, मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सारी दिशाएं बराबर, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक व्यक्ति ए से चला सी तक गया, सी से बी तक गया और बी से ए तक गया, ठीक है, उसकी चाल अलग अलग थी, उसकी चाल अलग थी, मान लेते हैं यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 15 थी और यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे क्या थी, 30 थी, तो अलग अलग स्पीड से गया है वो, मगर क्या डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो उसके क्या पूछेगा आपसे, एवरेज स्पीड पूछेगा, अगर एवरेज स्पीड पूछता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो इससे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ 15 और ये कितना हो जाएगा भाई, 30, तो कितना आ जाएगा आपको टोटल, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 मान लेते हैं, तो 6
और ये 5 × 3 = 15 और ये 30 × 1 = 30 हो जाएगा। हमने हमेशा वही मानना जो तीनों से कट जाए, तीनों से मतलब डिविजिबल हो जाए, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल ऊपर 3 × 30 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 6 × 3 = 9 = 10। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, 4 में भी आ जाए तो 4 में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये 4 वाला और करके दिखा देता हूँ आपको, मैं 4 वाला भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो 4 वाला भी। तो अगर कोई स्पीड दे रखी है, मान लिया A B C D, है ना, ये 4 स्पीड दे देते हैं, तो इसमें भी मान लेते हैं कोई भी 5, 10, 15 और 30 मान लेते हैं, 4 स्पीड दे रखी, तो आपका मेथड भी क्या लगेगा, वही लगेगा, बिल्कुल ट्रायंगुलर मेथड लगेगा। 4 बना लो इसमें, अभी कितना हो जाएगा 5, 10, 15 और 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं बनाना आपको, हमेशा यही मेथड याद रखना, फॉर्मूला किसी चीज़ का याद नहीं रखना मेरे साथ में। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले सिर्फ एक बेसिक बताऊंगा, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, 3, 2 और 1। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 30 अपॉन में, ये कितनी है 4 है, तो गुना किसे करेंगे भाई 4 से गुना करेंगे, क्यों, एक हमें डिस्टेंस मानते हैं ना कि टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 है तो हम चले कितनी बार हैं 4 बार चले हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा नीचे भाई, तो इनको ऐड करेंगे तो 15 30 और 15 45 55 और 5 60 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी आपकी भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 20 और 30 50, और ये कितना आ जाएगा 50 और 15 65 हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा भाई 65 हो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं आना चाहिए ना, तो काटेंगे तो जितना कट रहा है उस पर काटेंगे भाई आपका, तो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा ना 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 × 5 = 65 और 5 × 6 = 30, तो कितना आ जाएगा भाई 24/13 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपकी किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी स्पीड। ठीक है, अब देखो 4 पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, 4 पे क्वेश्चन बनाएगा स्क्वेयर के ऊपर बनाएगा, वर्ग पे बनाएगा, आप जानते हैं वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, है ना, वर्ग क्या होता है आपका सारी भुजाएं बराबर होती है, कोई व्यक्ति यहां से चलता है यहां पे चल जाएगा, फिर यहां पे फिर चारों साइडों पे चलता है और अलग 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 चाल से चलता है, मगर यहां पे दूरी क्या आपकी बराबर है। मैंने अभी तक आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो सिर्फ किस्त पर बताया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दूरी बराबर होगी तभी आपका ये काम करेगा, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा तो आप निकाल सकते हैं ना, अब जब दूरी बराबर है तो चाहे स्पीड कैसी भी हो, चाहे स्पीड कितनी भी हो, आप 4 से हो 5 से हो, तो आपको ये मेथड लगाना है, मगर ध्यान ये रखना है जब आप इसको गुना करेंगे तो डिस्टेंस मान के करेंगे, ये जितनी बार चला है ना, जितनी बार चला है तो जितनी बार इसको कवर किया उतने से ही इसको गुना करना होता है आपका भी। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज में रहते हैं कि 5/18 से करें 18/5 से, मैं याद तो कर लेते हैं 18/5 5/18, है ना। अब ये 5/18 क्या है, कई बार तो कईयों ने पहली बार सुन रहे होंगे इसको, तो आपको बता देता हूँ, जो हमारा एक तो स्पीड होती है हमारी भी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, है ना, और एक होता है मीटर पर सेकंड होती है भाई, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 होते हैं, और कितने आवर होते हैं भाई, 60 तो सेकंड होते हैं और 60 ही मिनट होती हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बनाएंगे, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा ऊपर भाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, तो 10/36, तो सोल्व करेंगे तो 5 2 पे जाएगा ना, 2 5 10 और 18 2 36, तो कितना आ गया भाई 5/18। ठीक है, अब किलोमीटर से हमें मीटर में जाना, तो गुना किससे करेंगे 5/18 से, तो सिंपली यहाँ पे किससे गुना करेंगे 18/5 से, जाने मीटर से पर सेकंड से आपको किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना, तो गुना किससे करेंगे 18/5 से। अब देखो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं मैथमेटिक्स बताता हूँ आपको भाई, गुना 5/18 से करनी है, 18/5 से करनी है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है और ये आपका मीटर पर सेकंड है। देखो अब देखो किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, तो किलोमीटर बड़ा है। अब देखो 18/5 में बड़ा कौन सा है भाई, 18 है ना भाई, बड़ा कौन सा है 18 है, तो गुना किसे करेंगे, ऊपर सिंपल सी बात करेंगे, ऊपर 18 रखेंगे नीचे क्या रखेंगे 5, जो बड़ा है तो बड़े के सामने बड़ा, अगर मीटर पर सेकंड है तो ऊपर छोटा है तो छोटे वाले के साथ क्या आएगा 5/18। ठीक है, अब देखो इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा एक चीज़ देखते हैं आपको, एक क्वेश्चन बताता हूँ बिल्कुल, अगर आपको करना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है कोई भी, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है,
अब क्या करना है, 5400 करना है, मतलब हमने 54 है और करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में करना है। तो हमें देखो 18 है ना, 18 बड़ा 18 किलोमीटर में है ना, तो 18 बराबर, तो 18 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 54 के हो जाएगा भाई। मीटर किलोमीटर को किलोमीटर के बराबर रख लो, किलोमीटर को किलोमीटर के बराबर कर लो, तो एक बराबर किसके हो जाएगा बटे में 18। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 5 की, तो गुना में क्या करेंगे 5, क्योंकि मीटर में जाना है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 18 3 54 की, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे हम इसको, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ठीक है कर सकते हैं ना। तो मीटर में जाना तो 5/18 कर सकते हो, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो 5/18 से गुना कर देंगे इसको, तो 18 3 54, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, कर सकते हैं सो। ठीक है, होप सो आपको क्लास आज की पसंद आई होगी, तो आपको कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।